और यार करेंगे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पार्टी के प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इसे संबोधित कर रहे हैं। ये सब मांगे सरकार के सामने रखी गई, अब तक किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब या कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हम आम आदमी पार्टी के सभी यूथ विंग के कार्यकर्ता और हमारे साथी सीवाईएसएस जो युवाओं के भविष्य की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ सड़कों पे उतर के सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई और विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उम्मीद थी कि इससे पहले कोई ना कोई सकारात्मक फैसला ले लिया जाना चाहिए था और कोई ना कोई इस पे कार्यवाही हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती कोई कार्यवाही और वो मनमाने ढंग से भर्तियां करना चाहती है। तो इसके विरोध में 25 तारीख को हम लोग पूरी आम आदमी पार्टी की यूथ विंग और साथ में हमारे सीवाईएसएस की विंग मिलके विधानसभा का घेराव करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार इस मसले को सुने और विधानसभा में इसकी गूंज उठे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही जो हम जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी सरकार गंभीर नहीं है, तो कई सारे मुद्दे इस बार जब विधानसभा का सेशन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष में विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है इसलिए सरकार निरंकुश हो गई है, हम विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर भी दबाव बनाने के लिए एक तरफ विधानसभा के अंदर हम उनको अनुरोध करते हैं, जो भी विपक्ष में नेता हैं, कि वो सरकार से इन सारे मूल प्रश्नों पर, महिला सुरक्षा पर, संदीप सिंह के मामले पर, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है समय से, बिजली के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों के ऊपर विधानसभा में गूंज होनी चाहिए, लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। विधानसभा के अंदर हम विपक्षी विधायकों से अनुरोध करते हैं वो इन मुद्दों को उठाएं और विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इन सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दे ताकि सत्ता के गलियारों तक आम आदमी की आवाज़ पहुँच सके। संदीप सिंह के मुद्दे पर खासतौर पर हम चंडीगढ़ प्रशासन को एक लास्ट अल्टीमेटम देने के लिए हम लिख रहे हैं चंडीगढ़ प्रशासन को कि वो जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करें। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं तय समय सीमा के अंदर तो आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में हम इस मुद्दे को लेकर भी अनशन पर बैठेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सीईटी में बहुत स्पष्ट है, एक तो ये जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए ये सरासर आधिकारिक तौर पर पेपर का लीक किया जाना है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। और हमको ये भी सूचना है, बहुत लोगों ने हमको ये बताया है कि 20-20 लाख रुपए लेके, 15-15 लाख रुपए लेकर के ये कहा गया कि लिमिटेड लोगों को ये सूचना दी गई कि आप कल का पेपर तैयार करके चले जाइए, उसमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पेपर कैंसिल होना चाहिए था, ये एजेंसी ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए थी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो देखने को मिला वो ठीक इसके उलट था। मुख्यमंत्री आकर के कहते हैं कि सरकार का काम पेपर कराना नहीं है, तो सरकार का काम अगर पेपर कराना नहीं है, सरकार अगर युवाओं के लिए पेपर नहीं करा सकती और युवाओं को अगर नौकरी नहीं दे सकती तो सरकार को सरकार बने रहने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी को। इसलिए हमारी मुख्य मांग ये है, एक तो इन्होंने जो पहले कहा कि 4 गुना लोग बुलाएंगे, फिर अपनी मर्जी से कहा 8-10 गुना लोग बुलाएंगे और फिर अपनी मर्जी से लिस्ट जारी कर दी, उसको लेकर के हमारी आपत्ति है। सभी सीईटी में क्वालिफाई किए हुए विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए नौकरी के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आनंद फानन में परीक्षा ली गई उससे किसी भी बच्चे का संतोषजनक तरीके से, ठीक माइंडसेट से ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया जो सामान्य रूप से अपनी तैयारी कर रहा था, इसलिए इन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। तीसरी चीज़, जो पेपर लीक हुए हैं 40 क्वेश्चंस जो हम लगातार कह रहे हैं, उस एजेंसी को न सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए बल्कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस ऑफिशियल पेपर लीक में किस किस का हाथ है, कैसे कैसे सूचना दी गई और उसके बदले में पैसा लिया गया, इस सब की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी शामिल है इसमें, चाहे वो सरकार के लोग हैं, चाहे नेता हैं, चाहे अफसर हैं, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये जो एजेंसी